प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपना तीसरा पाठ गोपाल की सच्चाई के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। अभ्यास प्रश्न में हमने आज भाषा से के अंतर्गत प्रश्नों को हल करना था, और जो कि आपको पता है व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसके अंदर हमने अलग अलग शब्द देखे थे, उनको जरा एक बार फिर से समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और एक अंग्रेजी के शब्दों को जब हिंदी में हम लिखते हैं तो उच्चारण जो था उसको सटीक बनाने के लिए हम किस तरह आ का प्रयोग करते हैं। आ, तो जरा इसको देखेंगे, ये तीनों चीज को हम समझेंगे आज। ये आएगा भाषा से के अंतर्गत, पढ़ो और समझो, इसमें उच्चारण भी उतना ही जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये है हमारा भाषा से के अंतर्गत, भाषा से, पढ़ो और समझो। पहला ही प्रश्न है, पढ़ो और समझो। बच्चा, बच्ची, बच्चों ने, बच्चा, बच्चे, बच्चों ने, बच्चों ने छुट्टी छुट्टी छुट्टियों छुट्टी छुट्टियां बहुवचन है, छुट्टी छुट्टियां छुट्टियों ने छुट्टियों में कॉपी कॉपियां कॉपी कॉपियां कॉपियों में कॉपियों में और अंतिम शब्द है घंटी घंटी घंटियां। घंटियों की घंटियों की, तो इन शब्दों को जरा ध्यान से हम पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उच्चारण पे भी ध्यान देंगे। तो बच्चा, बच्चे, बच्चों ने, तो पहला वाला हमने देखा एक वचन, यहाँ पे सब एक वचन शब्द हैं। ये भी साथ साथ समझते जाना है कि जो पहले जो शब्द दिए थे, चाहे बच्चा, छुट्टी, कॉपी, घंटी, एक वचन। दूसरे बच्चे, ये बच्चा का बहुवचन है, बहुवचन रूप है। बच्चा, बच्चे, बच्चों ने छुट्टी छुट्टियाँ छुट्टियों में, तो छुट्टियाँ छुट्टी छुट्टियाँ, कॉपी कॉपियाँ, घंटी घंटियाँ। तो पहला वाला एक वचन, दूसरा वाला बहुवचन, और इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे घंटियों की आवाज़ आ रही थी, हमें इसका प्रयोग भी बताया, घंटियों की आवाज़ आ रही थी, कॉपियों में पेंसिल पड़ी थी, कॉपियों में चित्र रखा था, छुट्टियों में हम घूमने गए, बच्चों ने सेब खाया। तो ये बहुवचन का हमने कैसे वाक्यों में प्रयोग किया। अब आ जाते हैं और एक और चीज,
अनुस्वार और अनुनासिक। अब एक क्या होते हैं अनुस्वार, जिसमें बिंदी लगा के शब्द बनते हैं, जैसे घंटी, तो घ के ऊपर एक बिंदी लगा हुआ है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है। और एक चंद्र बिंदु वाला हमने देखा, कौन सा, छुट्टियाँ, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा, कॉपियाँ, घंटियाँ, तो चंद्र बिंदु वाले हैं अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में नाक का भी प्रयोग करना पड़ता है, नाक से हवा निकलती है, जैसे घंटियाँ, तो ये अनुनासिक शब्द है, छुट्टियाँ, कॉपियाँ, और तो इन्हीं के बारे में आज हम तीनों के बारे में, अनुस्वार, अनुनासिक और आ जो अंग्रेजी के, जैसे कॉ, इसमें औ जो कि उच्चारण है, ये अंग्रेजी के शब्दों को सही ढंग से लिखने और बोलने के लिए इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज समझते हैं। आपने पढ़ी दिया, मैं मिटा देता हूँ उसे, तो अब हम ध्यान देंगे ख भाग पे, इसका ख जो था अब इसको समझते हैं। ये एक है चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहा जाता है, इसे अ वाले शब्द बोले जाते हैं, अ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है वो भी देख लीजिए, इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, कॉपी अभी बोले थे, मैंने आपको बताया है अगर ऐसे लिखेंगे तो कापी हो जाएगा, कापी, ये क्या मैंने लिखा है कापी, बड़ा अजीब सा लग रहा है, और अंग्रेजी का जो शब्द है वो है कॉपी, तो उच्चारण में बहुत बड़ी गलती आ रही है, लिख तो हम ऐसे रहे, तो ये ओ की मात्राएं हम लोग बनाते हैं, इसे ज़रा याद रखिएगा, ये इसी के लिए कहा जाता है, इसको हम ऐसे लिखा ऐसे जाता है ओ, तो ये यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, ये स्वर है, इसकी केवल मात्रा ही हम लिखते हैं, तो एक बनेगा कॉपी, कापी से कॉपी हो गया, जो कि सही उच्चारण है, अंग्रेजी का सही उच्चारण है। अब आ जाते हैं एक और शब्द है बाद, बच्चे तो खेलते हैं, इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो बाल हो जाए, बाल मतलब सर के बाल, और हम अंग्रेजी के बॉल की बात करते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, तो ये बॉल होता है ना कि बाल, तो सही यहाँ पे भी और का उच्चारण करेंगे, अभी बन गया बॉल। तीसरा एक और शब्द है डॉक्टर और रॉकेट, ये भी अंग्रेजी के ही शब्द हैं, तो डॉक्टर अगर ये नहीं होता, अगर हम ओ पढ़ाई नहीं रहते तो डॉक्टर हो जाता डॉक्टर, क्योंकि गलत उच्चारण है, और राकेट ये भी गलत उच्चारण है, राकेट पहले की पुरानी किताब में ऐसे ही लिखा जाता था, लेकिन ये सही उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं, बाल नहीं बॉल होता है, राकेट नहीं रॉकेट होता है, तो हमने यहाँ पे ओ का ये निशान लगाए ओ, तो अब इसका उच्चारण सही हो गया, कॉपी, बॉल, डॉक्टर, रॉकेट। अब चंद्र बिंदु वाले सब कुछ आपको बता देते हैं, जैसे चांच, ये अनुनासिक कहा जाता है, इसमें बोलते समय नाक का भी प्रयोग आती है, हवा रुकती है, तो अनुनासिक कहा जाता है नाक के द्वारा। आँख, जांच, आँख और मूंछ और बांध, अब आ जाते हैं, तो हमने अब करना है अनुस्वार शब्दों का, जो बिंदी से हम लिखते हैं अनुस्वार, तो अनुस्वार का तो हम पंचम वर्ण में भी बदल करके लिखते हैं, तो अभी इसको समझ लेते हैं, अभी हमारी ये कोर्स में है अंत, अंत
इसको हम कैसे ले सकते हैं कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अ आधा न पूरा तब। हम आ जाते हैं कंघा, कंघा वो क्या लिख सकते हैं, न लिख देंगे कंघा। दोनों ही सही है, कोई ये नहीं कहेगा कि एक सही है एक गलत है, दोनों ही सही है, दोनों इस तरह से लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने बराबर का इज इक्वल टू का साइन लगाया कि दोनों ही एक बराबर, इज इक्वल टू का साइन या बराबर का चिन्ह क्यों लगाया गया है बताने के लिए दोनों ही सही है। एक है सुंदर, हम सुंदर ऐसे भी लिखते हैं और सुंदर ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही सही है। अभी घंटी, घंटी के पंचम वर्ण लगाया जाता है आगे वाले शब्द कर देखिए, तो इसे घंटी इस तरह भी लिखा जाता है, जो वर्ण का अंतिम शब्द होता है उसके अनुसार। अब आ जाते हैं डंडा, डंडा को हम डंडा इस तरह लिखेंगे, और कंठ, गले को कंठ कहा जाता है, कंठ को भी कंठ, तो पंचम वर्ण से हम बदल देते हैं इसको। तो ये समझने वाली चीज थी, हमने पढ़ा समझा इसका उच्चारण भी किया। अब भाषा से अब जरा लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपने इसको पढ़ा समझा, किसके बारे में पढ़ा था आपने, अ वाले शब्दों के बारे में, अ डॉक्टर वाले, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला, अनुस्वार बिंदु वाला, और पंचम वर्ण लगा के हमने कैसे शब्दों का निर्माण किया ये भी आपने देखा। अब आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न, अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, समझो और वाक्य बनाओ। अब इसमें है बालक ने प्रश्न हल किया, किसान ने खेत में हल चला, तो हल शब्द के दो दो अर्थ हो गए। हमने क्या देखा कि एक जैसे शब्द लेकिन उनका अर्थ एक से अधिक, स्पेलिंग के हिसाब से हम हिंदी में स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से वो एक जैसे हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। तो हमें ये पहले समझ लेना है, उसके बाद दिया गया प्रश्न हम करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये है हमारा दूसरा प्रश्न, समझो और वाक्य बनाओ। समझो, समझो और वाक्य बनाओ। समझो और वाक्य बनाओ, तो हल शब्द के बारे में बताया गया है। फिर इसको जरा मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे हल एक शब्द है, इसके दो अर्थ, एक है हल का अर्थ समाधान, समाधान जैसे कोई समस्या है उसका समाधान निकाल दिया, या हमने गणित का प्रश्न ही बोल दिया, आपको एक गणित का प्रश्न दे दिया है उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है, तो समाधान मतलब सॉल्व करना, उसका उत्तर पता करना, उत्तर निकालना, या कोई समस्या दे दी है उसका आपको समाधान करना है, उस समस्या को हल करना है। तो हल का एक अर्थ होता है समाधान निकालना, दूसरा है हमारा दूसरा है
खेती का यंत्र, खेती का यंत्र, जो किसान है खेत में हल चलाता है ताकि बीज बो सके और अपना खेती का काम कर सके, तो उसे इससे खेत की जुताई करता है, उसे हल कहा जाता है। तो शब्द वही है, देखो ध्यान से, इसमें कोई इसके दो अर्थ आ रहे हैं, तो ये बहुअर्थी शब्द है। हल एक हो गया समाधान, दूसरा है खेती का यंत्र। तो इसका हम जैसे दिया भी है पाठ्यपुस्तक में, बालक ने प्रश्न हल कर दिया, या हम कहेंगे गोपाल ने गणित का प्रश्न हल कर दिया, तो उसका हम कहेंगे उसका उत्तर पता कर दिया है। और किसान खेत में हल चला रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है, इसका अर्थ होता है वह खेत की जुताई हल द्वारा कर रहा है। हल एक प्रकार का कृषि का यंत्र होता है जिससे कि खेत को जोता जाता है। क्यों जोता जाता है? ताकि उसमें बीज डाला जा सके। तो अब आ जाते हैं, इसी तरह हमें दो शब्द दिए हैं, उसको हमें पूरा करना है। तरीका यही है, इनके दो अर्थ होते हैं, हमें अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, हमें अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, हमें शब्द का ही इस तरह से वाक्य बनाना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। हमें शब्द का इस तरह से वाक्य बनाना है कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं इसे करना। तो हमें दिया गया है, पहला है उत्तर, पहला शब्द दे रखा है उत्तर। इसके दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से? एक होता है जवाब, एक अर्थ क्या होता है? जवाब, जवाब। दूसरा अर्थ होता है दिशा। आपको पता है दिशा चार दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो हमारे देश के उत्तर में हिमालय, उत्तर दिशा है, उत्तर एक दिशा होगी, एक जवाब। जैसे अभी हम दूसरे प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, हम कौन सा उत्तर कर रहे हैं? हम दूसरे प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। तो उत्तर के दो अर्थ होते हैं, एक हो गया जवाब, दूसरा हो गया दिशा। दिशाएं चार होती हैं आपको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो एक दिशा का नाम हो गया, एक जवाब। अब हमें वाक्य बनाना है इस तरह से कि इसका अर्थ खुद स्पष्ट हो जाए। और वाक्य किसका बनेगा? इसका नहीं बनेगा, वाक्य बनेगा शब्द उत्तर का। वाक्य किसका बनेगा? शब्द उत्तर का बनेगा वाक्य, ना कि उसके अर्थ का। यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी वह अर्थ का ही वाक्य बना लेते हैं, जवाब का वाक्य बना लेते हैं और दिशा का वाक्य बना लेते हैं, जो कि गलत है। हमें जो दिया गया शब्द उसका वाक्य बनाना है। तो उत्तर, मैं वाक्य बना रहा हूँ, मैंने परीक्षा में, मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे, सभी उत्तर लिखे, तो मैंने इसे रेखांकित कर दिया, शब्द यही उत्तर। तो एक हमारा ये वाक्य बन गया, इसे आप नोट करेंगे, बुक में जगह बनी हुई है। फिर से मैं एक बार बात बताता हूँ, बुक में जगह बनी हुई, हम इसे बुक में ही नोट कर रहे हैं।
दूसरा है हमारा दिशा, अब है दिशा के अनुसार इसका वाक्य बनाएंगे। उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, मैंने बताया उत्तर दिशा में, या हम कहेंगे उत्तर में ध्रुव तारा चमकता है। आपने देखा उत्तर दिशा में रात को ध्रुव तारा चमकता है, दोनों ही सही हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये भी सही है। तो कोई भी एक वाक्य हम लिखेंगे, उत्तर में ध्रुव तारा, ध्रुव तारा चमकता है, उत्तर में ध्रुव तारा चमकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, बड़ा आसान सा था। शब्द है उत्तर, अर्थ है दो। पहला अर्थ था जवाब, हमने जवाब का वाक्य बनाया, मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे। तो उत्तर देना मतलब जवाब देना प्रश्नों के, परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर। दूसरा है दिशा, उत्तर में ध्रुव तारा चमकता है, तो इस उत्तर का क्या अर्थ है? दिशा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है। तो हमने देखा वर्तनी एक जैसी, स्पेलिंग एक जैसे, अर्थ अलग अलग, तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखेंगे, आप इसे अपने शब्दों में लिखें। जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया था, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, ये भी सही। तो ऐसे करके आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैं इसका दूसरा एक और प्रश्न इसमें दिया गया है, फल, इसे भी हम कर लेते हैं। शब्द है फल, और इसके भी दो अर्थ होते हैं, आपको पता है। एक है नतीजा, नतीजा यह अर्थ है। दूसरा है एक फल पेड़ से प्राप्त, पेड़ से प्राप्त होता है, जैसे कि सेब, केला, आम, ये सब फल हैं, हमें पेड़ से मिलते हैं। और एक फल होता है नतीजा, जैसे परीक्षा फल, आपने सुना होगा परीक्षा फल, और इस तरह से हम ऐसा वाक्य बनाएंगे कि वाक्य किसका बनाएंगे? फल का बनाएंगे, न कि उसके अर्थ का। तो शुरू करते हैं, ये नतीजा, एक का अर्थ है नतीजा, दूसरे का अर्थ है पेड़ से प्राप्त फल होता है। तो लिखा है मैंने, मेरे परीक्षा फल बहुत, मेरा वाक्य है, मेरा परीक्षा फल, मेरा परीक्षा फल, मेरा परीक्षा फल बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। तो यहाँ फल या नतीजा से, यहाँ परीक्षा फल का क्या अर्थ है? परीक्षा का नतीजा, वो अच्छा है। अब दूसरा है फल, अब पेड़ से प्राप्त। आम एक, या मोहन को आम पसंद है, या आम एक मीठा फल होता है, गर्मी का मौसम में लिखते हैं आम का ही, आम एक मीठा फल है, आम एक मीठा फल है। तो ये है, फल को लगाएंगे
तो वाक्य हमने बनाया था हल्का, यहाँ पे भी हल्का, तो आम एक मीठा फल है, तो यहाँ पे किस फल की बात की गई, आम का अर्थ है फल किसके लिए कहा गया, पेड़ से प्राप्त फल के लिए कहा गया, यहाँ परीक्षा का जो नतीजा था उसको परीक्षा फल कहा गया। तो ये था हमारा प्रश्न, आगे हम पढ़ो और लिखो को करते हैं, ये भी आधे जो शब्द हैं उनके बारे में दिया गया, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, इस प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, इसका जो स्पेलिंग है या वर्तनी हम कहेंगे हिंदी में वह एक जैसा ही रहता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, अनेक अर्थ एक से अधिक अर्थों वाले शब्द हम कह सकते हैं, और उसका वाक्य बनाना आता है परीक्षा में, और हमें उसके उस शब्द का हमने बनाया था, जैसे कि हमने पहला किया था उत्तर, तो उत्तर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है जवाब, दूसरा होती है दिशा, मैंने परीक्षा में सभी उत्तर लिखे, दूसरा था उत्तर में ध्रुव तारा चमकता है, तो एक ही शब्द के दो अर्थ हुए, दो अलग अलग वाक्य बनाए। अभी हमने फल का बनाया, एक का अर्थ होता है नतीजा, दूसरा का होता है पेड़ से प्राप्त, तो मेरा परीक्षा फल बहुत अच्छा आया, मेरा परीक्षा फल बहुत अच्छा आया, आम एक मीठा फल है, तो इस तरह से हम करेंगे। अगला फिर है पढ़ो और लिखो, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं, अब तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है पढ़ो और लिखो, तीसरा प्रश्न है हमारा पढ़ो और लिखो, इन शब्दों को ज़्यादा ध्यान से देखना है। अध्यापक पहला शब्द है, अध्यापक, अध्यापक, अगला है ध्यान, फिर है ध्येय, फिर है संध्या, तो इन शब्दों में हमने क्या देखा, इन शब्दों में हमने देखा कि आधा ध और य इनसे बने शब्द हैं, इन चारों शब्दों में आधा ध के बाद में य आया है, तो ध्य ध्य से बने शब्द हैं ये, तो देखो अध्यापक, ध्यान, ध्येय, संध्या, तो इसी तरह हमारा एक और शब्द है आगे, आश्चर्य, निश्चित, निश्चय, फिर है पश्चात, पश्चात, और है पश्चिम, तो पश्चिम, तो ये किससे शब्द बने हैं, ये आधे श से बने हैं, श शहद वाला जो है वो आधा श से बने हैं, हमने देखा चाहे वो आश्चर्य हो, निश्चय हो, पश्चात हो या पश्चिम हो, तो आधा ध और य, ध्य और आधा श से बने शब्दों को हमने पढ़ा था, तो ये से आप एक बार इसको पढ़ना है और इसका एक बार उच्चारण करना है, आप क्या करना है, इसको एक बार पढ़ना है और इसका उच्चारण करना है, तो हम आज के लिए इतना ही।
कल हम अगले प्रश्न को करेंगे बच्चों, आज के लिए बस इतना है।